बॉलीवुड कलाकार इरफान खान सभी को रोता हुआ छोड़कर चले गए। उनके जाने का गम हर किसी को है, क्योंकि हर वर्ग का दर्शक उन्हें बेहद चाहता था, बेहद प्यार करता था। उनकी एक्टिंग को देखकर हर कोई प्रभावित हो जाया करता था। बॉलीवुड के साथ ही हॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी धमक और एक अलग पहचान बनाने का काम किया, मगर धीरे धीरे उनकी जिंदगी के तमाम पन्ने ऐसे पलटे जा रहे हैं जो किसी ने पढ़े नहीं, जो किसी को पता नहीं। तमाम ऐसी कहानियां जो है सामने आ रही हैं इरफान की, जिसे देखकर, जिसे सुनकर लोग रो रहे हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं। सच मानिए, सही मानिए, इरफान खान एक सच्चे दिल इंसान थे, नेक दिल इंसान थे और बहुत ज़्यादा भावुक थे। थोड़ी सी बात पर वो भावुक हो जाया करते थे। उनकी भावुकता का अंदाजा इसी प्रकार लगा सकते हैं आप। जब बकरीद के दिन उनके यहाँ बकरे काटे जाते थे तो वो घर से बाहर चले जाते थे। अपने परिवार के लोगों से कहा करते थे कि ये क्या कर रहे हो, जीव हत्या ठीक नहीं। यानी एक मुसलमान परिवार में, पठान परिवार में, जहाँ खाने पीने की कोई पाबंदी नहीं थी, खुलकर मांस खाया जाता था, वहाँ पर इरफान जो है उन चीज़ों से परहेज करते थे, दूर रहते थे, मांस को हाथ तक नहीं लगाया करते थे। इसीलिए उनके पिता कभी कहा करते थे कि तुम तो एक ब्राह्मण हो, ब्राह्मण परिवार में तुम्हें जन्म लेना चाहिए था, तुम्हें तो लगता ही नहीं है कि तुम मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हो। नाते रिश्तेदार भी इरफान की इस बात पर कभी कभी टोक दिया करते थे कि तुम्हारे पूरे संस्कार ब्राह्मण की तरह है। तो इरफान की इस पहचान को, इरफान के इस दिल के भावुकता भरे दिल को हर कोई आज याद कर रहा है, उनके लम्हे को याद कर रहा है, उनके पल को याद कर रहा है। और इसीलिए लोगों को गुदगुदाने वाले, लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव आज भावुक हो गए। और राजपाल यादव ने ये कहा कि कबड्डी के खेल में बड़ी मजबूती के साथ उतरे थे, कबड्डी के खेल में आपने बहुत बेहतरीन तरह से पारी खेली थी, लेकिन ये बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है कि आप बीच रास्ते में कबड्डी को छोड़कर चले गए, कबड्डी के खेल को बीच रास्ते में बंद करके, खत्म करके चले गए। काश और लंबी पारी खेलते। अनुपम खेर साहब ने कहा कि बहुत नेक दिल जिंदा दिल इंसान थे, उनकी काबिलियत पर सभी लोग गर्व करते थे, सभी लोगों को अच्छा लगता था, और आज बीच में छोड़कर चले गए। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, हर कोई आंखों में आंसू लिए भावुक है। अमिताभ बच्चन साहब ने, कुमार विश्वास साहब ने, परेश रावल ने, हेमा मालिनी ने, तमाम बॉलीवुड के कलाकार, अभिनेता, नेता सभी ने इरफान खान के जाने का दुख जताया है, शोक जताया है, क्योंकि उनके बीच से, फिल्मी सिनेमा के बीच से एक जिंदा दिल इंसान हमेशा हमेशा के लिए।